नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आप लोगों के साथ आप लोगों की दोस्त प्रिया पांडे, जो आप सभी का हमारे चैनल मोक्ष में दिल से स्वागत करती हूँ और आप सभी को सावन के पहले सोमवार की ढेर सारी बधाई देती हूँ। इसी के साथ आज के इस खास वीडियो में मैं एक बहुत ही आम बात पर बात करने वाली हूँ। जी हाँ, आम बात इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि हमने अमूमन सावन के महीने में चारों तरफ हरे रंग का भरा पूरा एक संयोग देखा है। जी हाँ, चाहे बात हरी चूड़ियों की हो, हरे कपड़े की हो या फिर हरे श्रृंगार की हो, तो सवाल तो आपके मन में भी उठता ही होगा कि आखिरकार क्या वजह है कि सावन के महीने में महिलाएं जो हैं हरे रंग का श्रृंगार करती हैं। हरे रंग की चूड़ी, हरे रंग की बिंदी, हरे रंग के कपड़े, हरे रंग की मेहंदियाँ, ये सब अपने हाथों में सजाती हैं और इन्हीं से अपना साज सजार करती हैं। तो क्यों ये और अलग महीने में नहीं करती हैं, क्या है सबका रीज़न, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस खास वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, भगवान शिव के प्रिय मास सावन में चारों तरफ देखें तो हरियाली हरियाली दिखती है और पूरी प्रकृति सावन के हरे रंग में डूबी नजर आती है। ऐसे में प्रकृति के प्रति अपना प्रेम और अपना समर्पण दिखाते हुए महिलाएं भी हरे रंग के श्रृंगार में नजर आती हैं। हरे कपड़े, हरी चूड़ियाँ, हरी मेहंदी और सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हरा हरा ही रहता है। माना जाता है कि हरा रंग वैभव और संपन्नता का प्रतीक है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि श्रावण में महिलाएं हरे रंग का श्रृंगार आखिर करती क्यों हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि हरा रंग प्रेम और खुशी का प्रतीक है। प्रकृति ने हमें अपने खजाने में से इतना सब कुछ दिया है। सावन में हरे वस्त्र पहनकर महिलाएं प्रकृति का और साथ ही साथ ईश्वर का एक प्रकार से धन्यवाद करती हैं। हरे रंग को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और मान्यता है कि सावन में हरे कपड़े पहनने से पति की आयु में वृद्धि होती है, इसलिए भी महिलाएँ हरे रंग का सेवन करती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि हरा रंग भगवान शिव को भी बहुत ज़्यादा प्रिय है। सावन के महीने में भगवान शिव को समर्पित करती हैं, इसीलिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भी महिलाएं हरे रंग की चूड़ियाँ पहनती हैं और अपने अखंड सौभाग्य के लिए ढेर सारी प्रार्थनाएं करती हैं। वहीं पौराणिक कथाओं के अनुसार बात की जाए तो सावन के महीने में ही माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और प्रकृति की इस हरियाली को अंगीकृत किया था। इसलिए माँ पार्वती जैसा सुहाग सबको मिले, इस प्रार्थना के साथ भी महिलाएं सावन में हरी चूड़ियाँ पहनती हैं। साथ ही साथ सावन में महिलाएं हाथों में हरी हरी मेहंदी भी रचाती हैं। यह भी प्रकृति के प्रति अपने प्रेम को दर्शाने का एक अनोखा तरीका है। ऐसा माना जाता है कि हाथों में हरी हरी मेहंदी लगाने से हमारा मन भी हरा भरा हो जाता है और तन को शीतलता मिलती है। हाथों में हरी हरी मेहंदी रचाने से हम सभी को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं हरे रंग को बुध ग्रह का भी प्रतीक माना जाता है। बुध के शुभ स्थिति होने पर हमें कामयाबी प्राप्त होती है और इसीलिए सावन में हरी मेहंदी लगाने और हरा श्रृंगार करने से न सिर्फ खूबसूरती में चार चांद लगते हैं बल्कि बुध ग्रह भी शुभ होता है, जो महिलाओं के साथ साथ उनके जीवन साथी को भी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ाता है। तो दोस्तों, ये थी आप सभी के लिए एक छोटी सी अपडेट सावन के महीने में हरे रंग को लेकर, महिलाओं की इच्छा को लेकर कि किस तरीके से महिलाएं सावन के महीने में हरे रंग से भोले बाबा को लुभाने की कोशिश करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र और सलामती के लिए इसका श्रृंगार करती हैं। आशा करती हूँ आप सभी को हमारी खास वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करके अपनी कीमती कमेंट हमें ज़रूर बताइएगा।